Hello students, today we will start electromagnetic field theory. You can say most difficult subject in case of GATE and IS syllabus, or you can also say most difficult subject in case of BTech. Okay, so subject aapka jo EMFT hai bahut difficult hai, theek hai, ye hum sab jante hain. Okay, lekin hame karna kya hai basically? इस सब्जेक्ट को सिंपल मैनर में स्टडी करनी है और सारा का सारा कोर्स भी बहुत डिटेल में कवर करना है, ठीक है? इसलिए मैं आपके लिए इस सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियोस लेकर आ रहा हूं, ओके? ईएमएफटीस की कंप्लीट वीडियो, ओके? तो यहां पर हम लोग आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बेसिकली ये स्टडी करेंगे कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, ओके? गेट और आईएएस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओके? इसके अलावा हम ये भी स्टडी करेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है, ओके? कौन कौन से टॉपिक आपके किस एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जैसा मैंने कहा कि आपको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ओके? हमें इसे इजी बनाना है, तो इजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमें यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स है जो पहले से आने चाहिए, ओके? या इस सब्जेक्ट को पढ़ने की प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं आपकी, ओके? तो अगर मैं यहां पर प्री रिक्विजिट्स की बात करूं तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स, ठीक है ना, बेसिक जो आपका मैथ्स है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ओके? बेसिक मैथ्स में अगर मैं आपकी बात करूं तो बेसिक मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए वैक्टर्स, ओके? तो वैक्टर्स जितना आप मैथमेटिक्स पे पढ़ते हैं वो आप पहले स्टडी कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको ईएमएफटी में वेक्टर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके? उसके अलावा बेसिक मैथ्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं आपका बोल सकते हैं मैट्रिक्स, ओके? तो मैट्रिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए बेसिक मैथ्स से, ओके? इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि बेसिक मैथ्स में जो आप लोग स्टडी करते हैं ज्योमेट्री, ओके? तो आपको बेसिकली ज्योमेट्री भी अच्छे से आनी चाहिए, ओके? तो ये तीन चीजें अगर आपको पहले से आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको नहीं आती है तो आपको स्टडी करना होगा। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट यहां पर क्लियर करना चाहूंगा ईएमएफटी के लिए, जो प्री रिक्विजिट है वो है इमेजिनेशन पावर, ठीक है ना? आपको थोड़ा बहुत इमेजिन करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी इमेजिन करने की, बहुत ईजी नहीं होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पेशली जब आपको 3D स्पेस में इमेजिन करना होता है तो ये बहुत ईजी नहीं होगा, हमें इमेजिन करना सीखना होगा, ठीक है? मैं आपको पूरी तरीके से इसमें हेल्प करूंगा, ठीक है, कि हम कैसे टॉपिक को 3D स्पेस में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ओके? तो इसके लिए सबसे पहले जो हम फर्स्ट टॉपिक यहां पर स्टडी करेंगे वो यहां पर ये करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, ओके? ये सब्जेक्ट आपका एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? तो अगर मैं सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो गेट, आईएएस और आप बोल सकते हैं किसी भी अदर टेक्निकल पीएसयूज एग्जाम्स में आपका ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक्स पे सिलेबस काफी बड़ा है, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा पोर्शन है ईएमएफटी का, ओके? तो चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ईएमएफटी पे आपका फोकस होना ही चाहिए बहुत अच्छे से, ओके? आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए स्पेशली 6 to 7% मार्क्स आपके ईएमएफटी से पूछे जाते हैं, ओके? नाउ इसकी अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे ट्रांसमिशन लाइन हो गया, जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां ट्रांसमिशन लाइन का अपना एक यूज है। वेव गाइड हो गया, जब आप हाई फ्रिक्वेंसीज पे परफॉर्म करते हैं कम्युनिकेशन, तो वेव गाइड का अपना एक यूज है, ठीक है? तो सबके अपने अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आप ईएमएफटी में जितने भी टॉपिक आप स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? बेसिकली जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं यहां पर, तो बेसिकली आप 3D स्पेस का यहां पर यूज करते हैं, 3D स्पेस में आपको इमेजिन करना आता है यहां पर, ओके? तो ये सब चीजें यहां पर आप लर्न करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो है ही इस सब्जेक्ट का, उसके अलावा 3D स्पेस में इमेजिन करना ये भी आप यहां पर सीखने वाले हैं बेसिकली, ओके? तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका बहुत बड़ा है, वो है एंटीना। एंटीना से हम सब फैमिलियर हैं, अपनी डेली लाइफ में भी हम एंटीना का नाम सुनते हैं, ठीक है? या जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो हम बार बार पढ़ते हैं ट्रांसमीटर एंटीना, रिसीवर एंटीना,
तो ये ट्रांसमीटर एंटीना का क्या यूज होता है, रिसीवर एंटीना का क्या यूज होता है, एंटीना किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीजें भी हम लोग स्टडी करेंगे ईएमएफटी में। तो आप समझ रहे होंगे इस सब्जेक्ट को कि ये जो सब्जेक्ट है आपका बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके, बहुत सारी चीजें आप यहां पर ऐसी पढ़ने वाले हैं जो आपकी प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एग्जाम में 6 to 7% मार्क्स का आता है। उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए भी ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि हमें अब यहां पर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो रहेगी वो इस बेस पर रहेगी कि कंटेंट्स क्या है इस सब्जेक्ट के, हमें कौन कौन से टॉपिक इस सब्जेक्ट में स्टडी करने हैं। ओके, तो जो आपको फर्स्ट चैप्टर यहां पर स्टडी करना है वो करना है आपको इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या स्टडी कर लेना है? इंट्रोडक्शन में हम क्या करने वाले हैं यहां पर कि हम सबसे पहले जो बेसिक वेक्टर्स हम लोगों ने मैथ्स में पढ़े हुए हैं उसका एक बार हम रिविजन करेंगे। ओके, तो यहां पर इंट्रोडक्शन में हम लोग वैक्टर्स का रिविजन करेंगे। ओके, उसके अलावा जो ईएमएफटी में आपके टर्म्स यूज होते हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सारी चीजों से हम फैमिलियर हो जाएंगे। इनकी यूनिट्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सारी चीजों से हम पहले चैप्टर में फैमिलियर होंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा बिल्कुल आपका बेसिक्स होगा, वेक्टर्स होंगे इसमें जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं मैथ्स में, उनको हम स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनसे हम फैमिलियर होने की कोशिश करेंगे इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ ये चैप्टर ही जो है आपका वो बेस बनाएगा आने वाले जो हमारे सिलेबस में चैप्टर्स हैं उनका। ओके, नाउ तो सेकेंड चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे, और आप आइडियली कह भी सकते हैं जो चैप्टर आपका सिलेबस में है, जहां से सिलेबस आपका स्टार्ट होता है, वो है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सेकेंड चैप्टर इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहां पर आपको क्या स्टडी करना है एक्चुअल में, देखिए अभी तक हम लोग जो स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वो हम लोग मेनली स्टडी करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ओके, हमें सिर्फ इतना ही पता होता है व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस और व्हाट इज जेड एक्सिस। 3D स्पेस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। नाउ यहां पर आपको सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी नहीं करना है, यहां पर आपको सिलेंड्रिकल भी स्टडी करना है और स्फेरिकल भी स्टडी करना है। ओके, तो बेसिकली यहां पर आपके तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको स्टडी करना है। फर्स्ट जो होगा कार्टेशियन, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं हमेशा, जो आप यूज करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसमें आप लोग स्टडी करते हैं जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपके, एक्स वाई जेड। ओके, उसके अलावा जो सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पढ़ना है वो पढ़ना है यहां पर सिलेंड्रिकल। ओके, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों को बेसिकली नए टर्म्स से फैमिलियर होना होगा, नए पैरामीटर्स होंगे। तो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं आपके, रो, फाई एंड जेड। ओके, नाउ लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको स्फेरिकल। ओके, स्फेरिकल में अगेन जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई। ओके, तो अभी ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं ये आप जानते हैं। ओके, लेकिन रो फाई जेड एंड आर थीटा फाई शायद अभी आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो अभी चूंकि मैं सिलेबस कवर नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो जिस तरह से हम लोग कार्टेशियन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का स्टडी करते हैं, वैसे ही सिलेंड्रिकल में जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं रो फाई जेड एंड स्फेरिकल में होते हैं आर थीटा फाई। ये क्या होते हैं, ये किस चीज को मेजर करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये आपको तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए कि आपको इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर एक पैरामीटर्स के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप कैलकुलेट करनी होगी। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम एनालिसिस में। ओके, इसके अलावा जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर स्टडी करेंगे, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप यहां पर 3D स्पेस में स्टडी करेंगे,
तो 3D स्पेस में स्टडी करने में आपको इमेजिनेशन की जरूरत होगी. ओके, तो यहां पर एक पॉइंट समझने वाला है कि कार्टिशियन और रेक्टेंगुलर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप उसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल में हमें स्टार्ट में प्रॉब्लम होती है. तो जो ये वीडियोस मैं बनाऊंगा उसको कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल मैनर में बनाने की, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आपके ये सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार अगर क्लियर हो गए, एक बार अगर आप इनको इमेजिन करना सीख गए, तो इंटायर EMFT में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. ओके, तो यहां पर बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का एनालिसिस करने वाले हैं इन चैप्टर नंबर 2. ओके, और यहां पर हम ये भी कोशिश करेंगे कि हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कर लें. तो मैं आपको वीडियोस में ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा जिससे आपको थ्योरी को समझने में और ज्यादा आसानी होगी. ओके, नाउ जो नेक्स्ट हम लोग को चैप्टर पढ़ना है इस EMFT सिलेबस में वो है आपका वेक्टर कैलकुलस. ओके, मैं इसको कंप्लीट वेक्टर कैलकुलस नाम दे रहा हूं इस पूरे के पूरे चैप्टर को. इसमें हम लोग को ढेर सारी चीजें स्टडी करनी है. वैसे तो हम लोग वेक्टर का जो बेसिक्स है वो तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लेंगे. यहां पर अब हमें क्या पढ़ना है बेसिकली कि जो EMFT में हमारा वेक्टर का यूज होने वाला है वो सारी चीजें हमें स्टडी करनी है, ठीक है ना. एक्चुअल में जो चीज आपकी कंप्लीट सिलेबस में है जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें हमें यहां पर एनालिसिस करनी है. ओके, तो यहां पर वेक्टर कैलकुलस को हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर से, विच इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर. ओके, इस डेल ऑपरेटर में हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं जो आपके थ्रू आउट EMFT यूज होने वाले हैं, पूरे सिलेबस पे जो आपके यूज होने वाले हैं, दैट इज कर्ल, ओके, ग्रेडियंट, ओके, उसके अलावा डाइवर्जेंस, ओके, उसके अलावा आपका लाप्लाशियन ऑपरेटर, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं जो आपके थ्रू आउट द सिलेबस यूज होंगे, ये डेल ऑपरेटर पढ़ने के बाद ही आप पढ़ सकते हो, ठीक है. तो ये डेल ऑपरेटर और उससे रिलेटेड टर्म्स यहां पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है. इनके पूरे के पूरे सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे एक एक के, कर्ल के, ग्रेडियंट के, डाइवर्जेंस के. ओके, इनके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हम यहां पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है. हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से आने वाले चैप्टर्स में इनका यूज होने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स में, लाइक गॉस लॉ में कैसे यूज होगा, फेराडेस लॉ में कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे इन टॉपिक्स में. ओके, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड लाप्लाशियन ऑपरेटर में, वो ये है कि यहां पर क्या होता है, आपको कर्ल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, या ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, या डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए नहीं याद रखना, या सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होता है, ये आपको तीनों के तीनों, स्पेशली कर्ल, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये तीनों के तीनों आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी याद रखना होगा, ठीक है, आपको सिलेंड्रिकल के लिए भी याद रखना होगा, और आपको स्फेरिकल के लिए भी याद रखना होगा. ओके, तो यहां पर आपको समझना होगा कि फॉर्मूलेस जो हैं वो बहुत लेंदी होंगे और बहुत सारे हो जाएंगे. हर एक के लिए तीन तीन फॉर्मूले, कर्ल के तीन, ग्रेडियंट के तीन, डाइवर्जेंस के तीन, लाप्लाशियन के तीन, तो इतने सारे फॉर्मूलेस याद रख पाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आप कर्ल का सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए और उसके थ्रू आप तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला लिख पाएंगे, ग्रेडियंट का भी, डाइवर्जेंस का भी और लाप्लाशियन का भी, सेम प्रोसेस होगा. ओके, तो ये जो ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूं ये काफी इंपॉर्टेंट होंगी, इन्हें आप अच्छे से समझिएगा, अदरवाइज EMFT में फॉर्मूला याद रख पाना इम्पॉसिबल है. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इस वेक्टर कैलकुलस टॉपिक में वो हम पढ़ेंगे लाइन, वॉल्यूम एंड सरफेस इंटीग्रल. ओके, ये तीनों तरह के इंटीग्रल हम पढ़ेंगे. इन तीनों तरह के इंटीग्रल के हम बेसिक फॉर्मुलेस स्टडी करेंगे फॉर ऑल थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहां पर भी देखिए, लाइन है, वॉल्यूम है और सरफेस है, तीन आपके फॉर्मुलेस क्रिएट होंगे, बट हर तीन के तीन तीन फॉर्मुले होंगे, एक रेक्टेंगुलर के लिए, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए और एक आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए. ओके, तो नाइन फॉर्मुलेस आपके यहां भी क्रिएट हो जाएंगे. तो यहां भी मैं आपको एक ओवरऑल ट्रिक सिखाऊंगा, सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद रखिए, उसके बाद आप सारे फॉर्मुलेस लिख सकते हैं उस फॉर्मूले का यूज करके. ओके, क्लियर है पॉइंट. तो ये जो चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस,
ये आपका, अगर मैं बात करूं गेट और आईएएस में, तो गेट की अगर बात करूं तो आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है गेट के लिए। और आईएएस में एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट की बात करूं तो हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। ओके, मतलब एक फिक्स सा पैटर्न है, कोई इसमें कोई नयापन आपको नहीं दिखेगा। आईएएस के लिए सबसे आसान क्या है कि आप लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहां पर गेट को ही कवर कर रहा हूं, ठीक है। सिलेबस में गेट और आईएएस दोनों का कवर करने वाला हूं, बट यहां पर क्वेश्चन किससे ज्यादा आते हैं वो मैं गेट के लिए कवर कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर आप 2 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेक्टर कैलकुलस से, कंप्लीट वेक्टर कैलकुलस से 1 क्वेश्चन। ओके, हर साल नहीं आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हमें स्टडी करना है यहां पर, चैप्टर नंबर 4, वो हमें स्टडी करना है स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पर स्टडी करनी है, लेकिन स्टैटिक फील्ड्स। ओके, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, कि आपकी स्टैटिक फील्ड क्या होती है, टाइम वेरिंग फील्ड क्या होती है, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में स्टैटिक वर्ड को समझने में। ओके, तो यहां पर हमें जो एनालिसिस करना है, एक्चुअली ये चैप्टर सिर्फ आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है, लेकिन ये चैप्टर बहुत लेंदी है आपके लिए। ओके, यहां पर आपको ढेर सारी चीजें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ स्टडी करना है। ओके, एंड गॉस लॉ के अंदर उसके ढेर सारे आपको एप्लीकेशन देखने हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है आपके लिए। ओके, तो यहां पर आप गॉस लॉ स्टडी करेंगे, उसके एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे फॉर पॉइंट चार्ज, ओके, फॉर लाइन चार्ज एंड फॉर सरफेस चार्ज। ओके, ये हमारा पूरा डिटेल एनालिसिस होगा यहां पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड गॉस लॉ इटसेल्फ। ओके, गॉस लॉ पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और गॉस लॉ से ही इटसेल्फ आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट के एग्जाम में। ओके, यहां पर जो सेकेंड लॉ हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपको पढ़ना है कुलाम्स लॉ। ओके, तो कुलाम्स लॉ में हम स्टडी करेंगे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फिर फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है वाया इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारे फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे इन केस ऑफ कुलाम्स लॉ। ओके, इसके बाद जो हमें स्टडी करना है वो स्टडी करना है मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, मैक्सवेल इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके होंगे यहां तक, क्योंकि गॉस लॉ जो है वो इटसेल्फ मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैक्सवेल के जो बचे हुए इक्वेशन है, टोटल मैक्सवेल के आपके 4 इक्वेशन होते हैं, और मैक्सवेल के इक्वेशन पर ही आपका कंप्लीट ईएमएफटी जो है वो बेस्ड है। तो यहां पर हम लोग मैक्सवेल के ऑल 4 इक्वेशन का डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक्चुअली, अगर आप ओवरऑल बोलें कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो एक जनरलाइज वे में बोल सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से आते हैं, क्योंकि जो गॉस लॉ है वो भी मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। आगे जाके आप एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, वो भी मैक्सवेल इक्वेशन है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैक्सवेल इक्वेशन ही हैं, जहां से आपके क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन से लॉ पढ़ने हैं, तो यहां भी आपको 2 लॉ पढ़ने होंगे, बायोट सेवर्ट लॉ। ओके, तो ये लॉ यहां पर आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा यहां पर आपको स्टडी करना होगा एम्पियर्स लॉ। ओके, तो ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट लॉ होंगे यहां पर, स्पेशली एम्पियर्स लॉ आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे ही हम एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तो यहां पर हमारा जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लॉज हैं और बेसिक मैग्नेटिक फील्ड के जो लॉज हैं, साथ ही साथ आपके मैक्सवेल इक्वेशंस जो है, यहां तक आपके फिनिश हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमें यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि आपको यहां पर पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। ओके,
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल, और इसमें आप स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक पोटेंशियल आपका स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है, कब आपका स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल वैलिड होगा, कब आपका नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ स्केलर पोटेंशियल होता है. तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पोटेंशियल में. बेसिकली आप रिलेशनशिप भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल के बीच में. ओके, इसके अलावा आप लोग स्टडी करेंगे लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन. ओके, तो ये इक्वेशन जो है आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन गेट के एग्जाम में इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आए हुए हैं. ठीक है, हम इन पे काफी न्यूमेरिकल करेंगे. एक्चुअली सारे के सारे टॉपिक्स पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं इंटायर ईएमएफटी में. ठीक है, क्योंकि ईएमएफटी में थ्योरी के साथ साथ अगर आप न्यूमेरिकल करते चले जाएंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. ओके, नाउ उसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशन. ओके, तो बाउंड्री कंडीशंस में बेसिकली आप स्टडी करेंगे डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन एट कंडक्टर सरफेस. ओके, बेसिकली बाउंड्री कंडीशन कहां यूज होती है ये आप समझेंगे जब आपके दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो क्या क्या आपकी कंडीशन जनरेट होंगी. ये सारी कंडीशंस आपकी कहलाती हैं बाउंड्री कंडीशंस. तो इस पे भी हम डिटेल में सारी कंडीशंस को डिराइव करेंगे. ठीक है, रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, इसके अलावा जो आपको स्टडी करना है यहाँ पर वो स्टडी करना है कंटिन्यूटी इक्वेशन. ओके, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए हम डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कहां पर यूजफुल हो सकता है. ओके, नाउ इसके अलावा अगर मैं सिर्फ ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि गेट में से कोई न्यूमेरिकल आया नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो मेथड ऑफ इमेजेस से आपके ईएस में काफी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, काफी क्वेश्चंस आपके आए हैं, आप देख सकते हैं ईएस के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में. तो ये जो टॉपिक है आपका ये बेसिकली आईएस के लिए ही है. ओके, मेथड ऑफ इमेजेस. ओके, नाउ उसके बाद हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे एनर्जी डेंसिटीज. ओके, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक हम यहां स्टडी करेंगे वो करेंगे इंडक्टर एंड कैपेसिटर के फॉर्मुलेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन. ओके, तो ओवरऑल अगर इस पूरे चैप्टर को हम देखें तो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए मैक्सवेल इक्वेशन. जो फोर मैक्सवेल इक्वेशन है उनके जो एप्लीकेशन हैं अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे तो इस पूरे चैप्टर से भी आप 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं. ओके, क्लियर है पॉइंट. बड़ा चैप्टर है लेकिन हमें डिटेल में स्टडी करना ही होगा. ठीक है, अगर हमें 6 to 7 मार्क्स गेट में चाहिए, ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि यही चैप्टर जो है आगे जाके आपका वेव प्रोपोगेशन या टाइम वेरिंग फील्ड जो आप स्टडी करेंगे उनका बेस बनेगा. ओके, क्लियर है पॉइंट यहां तक आपको अच्छे से. नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 वो होगा आपका वेव प्रोपोगेशन. ओके, तो वेव प्रोपोगेशन चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम करेंगे टाइम वेरिंग फील्ड से. ओके, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टैटिक फील्ड स्टडी कर ली है, अब हम स्टडी करेंगे टाइम वेरिंग फील्ड्स. ओके, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स. ओके, तो यहां पर हम ये स्टडी करने वाले हैं स्टार्ट में कि जो आपके मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो किस तरह से आपके मॉडिफाई होंगे फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, क्योंकि जो हमने लास्ट चैप्टर में मैक्सवेल इक्वेशन पढ़े हैं वो स्टैटिक फील्ड्स के लिए पढ़े हैं. टाइम वेरिंग फील्ड के लिए वो किस तरह से मॉडिफाई होंगे, कौन कौन से मैक्सवेल इक्वेशन मॉडिफाई होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे टाइम वेरिंग फील्ड में. ओके, एक्चुअल में अगर मैं आपको अभी से बता दूं तो 2 इक्वेशन जो है आपके मॉडिफाई होते हैं और 2 इक्वेशन आपके मॉडिफाई नहीं होते हैं मैक्सवेल के. ओके, वो सेम रहते हैं फॉर टाइम वेरिंग फील्ड एंड फॉर स्टैटिक फील्ड्स. ओके, तो मैक्सवेल इक्वेशन को मॉडिफाई करते करते ही हम 2 इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फैराडेस लॉ. ओके, और एक आपका होगा लेंस लॉ. ओके, LENZ लेंस लॉ. ओके, तो ये जो 2 लॉ हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे.
मैक्सवेल इक्वेशन को मॉडिफाई करते करते, और उसके अलावा हम लोग स्टडी करेंगे मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, वो आपका सेम रहेगा जो आपने लास्ट स्टैटिक फील्ड में स्टडी किया हुआ है, बट यहां पर उसका हम मॉडिफाइड वर्जन स्टडी करेंगे, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ओके, तो ये सारे लॉज हम यहां पर स्टडी करेंगे इन केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड्स, इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। ओके, इसके बाद हम लोग बेसिकली एंटर कर जाएंगे अपने मेन टॉपिक में, जो कि है आपका वेव प्रोपगेशन। ओके, तो वेव प्रोपगेशन में हम सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं वेव प्रोपगेशन इन जनरल मटेरियल। ओके, मीन्स आपका मटेरियल कुछ भी हो सकता है, फ्री स्पेस हो सकता है, ओके आपका हो सकता है कंडक्टर, आपका हो सकता है आइडियल डाइइलेक्ट्रिक, ओके आपका हो सकता है लॉसी डाइइलेक्ट्रिक, एनी मटेरियल। मीन्स हम एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसके लिए जो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन मिल जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन मिल जाएंगे। इस पे हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो जनरल इक्वेशन डिराइव करने के बाद हम सारी चीजें स्टडी करेंगे, लाइक हम स्टडी करेंगे कि वेव प्रोपगेशन इन फ्री स्पेस, वेव प्रोपगेशन इन आइडियल डाइइलेक्ट्रिक, वेव प्रोपगेशन इन गुड कंडक्टर, वेव प्रोपगेशन इन जनरल डाइइलेक्ट्रिक, या बोल सकते हो आप लॉसी डाइइलेक्ट्रिक। ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है, इन सब के लिए सेपरेट फॉर्मुलेस डिराइव करने हमें। ओके, तो इस टॉपिक से जो आपका वेव प्रोपगेशन है इसमें से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो गेट में, वन या टू मार्क्स का। ओके, नाउ यहां पर हम लोग ये पॉइंट भी स्टडी करने वाले हैं जो आपके लिए न्यू होंगे, लाइक व्हाट इज गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट, व्हाट इज अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट, व्हाट इज बीटा फेस कांस्टेंट, व्हाट इज ईटा इंट्रिंसिक इंपेडेंस। ओके, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेस कांस्टेंट एंड इंट्रिंसिक इंपेडेंस, इन टर्म्स से भी आप बहुत डिटेल में फैमिलियर होंगे। एक्चुअली सारे न्यूमेरिकल्स इन टर्म्स पे ही बेस्ड होते हैं आपके। ओके, नाउ इस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को स्टडी कर लेने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, तो पॉइंटिंग वेक्टर में हम पहले तो डेरिवेशन करेंगे कंप्लीटली, और हम ये स्टडी करेंगे कि आप पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे या पावर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम पॉइंटिंग वेक्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, जो आपके बेस रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, ठीक है, उसके बेस पर हम पावर डेंसिटी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। इक्वेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के ही गिवन होने वाले हैं यहां पर भी। ओके, तो पॉइंटिंग वेक्टर स्टडी करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे वेव पोलराइजेशन। ओके, ये वेव पोलराइजेशन जो टॉपिक है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन शो करता है आपका, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट पोलराइजेशन पढ़ेंगे, लाइक लीनियर पोलराइजेशन, लाइक सर्कुलर पोलराइजेशन, लाइक इलेप्टिकल पोलराइजेशन, फिर हम ढेर सारे इक्वेशन कंसिडर करेंगे और उनमें आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह का पोलराइजेशन है आपका यहां पर। ओके, तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे वेव पोलराइजेशन में। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे, जो कि है आपका रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव। ओके, तो यहां पर आप पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, ओके एंड ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव। ओके, तो इस रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप बेसिकली दो तरह के इंसिडेंस स्टडी करेंगे। ओके, एक होगा आपका नॉर्मल इंसिडेंस, ओके, और एक होगा आपका ऑब्लिक इंसिडेंस। ओके, नॉर्मल एंड सेकेंड होगा आपका ऑब्लिक, ओके इंसिडेंस। ओके, यहां पर जैसे नाम से क्लियर है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कॉफिशियंट, तो नॉर्मल इंसिडेंस में भी और ऑब्लिक इंसिडेंस में भी आप रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट पढ़ेंगे, ठीक है, और आप ट्रांसमिशन कॉफिशियंट पढ़ेंगे। इनके डिटेल में फॉर्मूले डिराइव करेंगे। इसके अलावा
आप दो डिफरेंट टाइप के पोलराइजेशन पढ़ेंगे, एस पोलराइजेशन एंड पी पोलराइजेशन. ये भी सब इसी टॉपिक में आपको स्टडी करना है, नॉर्मल एंड ऑब्लिक इंसिडेंस में. और इन पोलराइजेशन के लिए भी आप ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट के फॉर्मुलेस डिराइव करेंगे. ओके तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, डिटेल में हमें स्टडी करना है, ढेर सारे इसके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं. ओके तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है वेव प्रोपगेशन, ये आपका यहां पर फिनिश होगा. ओके तो ये भी चैप्टर आपका बहुत ही लेंदी होगा, ठीक है. इस कंप्लीट चैप्टर से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने गेट के एग्जाम में. ओके नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 में हमें स्टडी करना है ट्रांसमिशन लाइन. ओके ट्रांसमिशन लाइन आपका कह सकते हैं नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है इन केस ऑफ गेट एग्जाम और आईएएस एग्जाम. यहां पर मैंने लास्ट चैप्टर्स में कहा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है या हो सकता है ना भी आए, हर साल नहीं आता है, लेकिन यहां पर आप लगभग 95-99% श्योर हो सकते हैं कि हर साल आपका 1-2 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा इन केस ऑफ गेट एग्जाम एज वेल एज आईएएस एग्जाम. ओके ये आप बिल्कुल आपका श्योर है. ओके तो ये चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए. ओके और एक बात मैं आपको और क्लियर करूं, रिलेटिवली ये चैप्टर आपका इजी होता है एज कंपेयर टू जो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है ना. जैसे जैसे आप ईएमएफटी में आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको चैप्टर्स आसान लगने लगेंगे. ओके नाउ तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, क्या यूज है, पहले तो ये स्टडी करना है. उसके बाद हमें ट्रांसमिशन लाइन में ये स्टडी करना है कि प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स आपके क्या होते हैं. ओके इन कॉन्स्टेंट्स का डिटेल में एनालिसिस करना है, ये कॉन्स्टेंट किस तरह से यूजफुल होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस में, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है. ओके उसके अलावा हमें इंडक्टर एंड कैपेसिटर के डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन के लिए फॉर्मूले स्टडी कर लेने हैं, ठीक है. इतना बेसिक पढ़ लेने के बाद हम ट्रांसमिशन लाइन में सबसे मेन टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे जो कि है आपका ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन का डेरिवेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट. ओके तो यहां पर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज और करंट के इक्वेशंस जो है वो डिराइव करेंगे. ट्रांसमिशन लाइन का एक फिगर कंसीडर करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम लोग डेरिवेशन की तरफ मूव कर जाएंगे वोल्टेज और करंट के लिए. ओके बहुत लॉन्ग डेरिवेशन होता है, लेकिन अगर इस डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ जाएं, स्टडी कर लें, तो इसके बीच बीच में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. ओके तो इसके बीच बीच में से काफी फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं. वोल्टेज और करंट तो फुल एंड फाइनल आपका फॉर्मूला होगा, लेकिन उसके बीच में से भी काफी फॉर्मूले जनरेट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जनरेट होते हैं. तो ये हमारे लिए आप कह सकते हैं नो डाउट कि ट्रांसमिशन लाइन के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वोल्टेज एंड करंट के इक्वेशन का डेरिवेशन. ओके इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइन स्टडी करेंगे, लाइक लॉसलेस लाइन, ओके लाइक डिस्टॉर्शन लेस लाइन, ओके लाइक आप स्टडी करेंगे शॉर्ट सर्किट लाइन, ओपन सर्किट लाइंस. ओके ये सारी लाइंस आप लोग स्टडी करेंगे, इनके आप लोग इनपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करेंगे. ओके तो यहां पर जो जेड इन है, इनपुट इंपेडेंस है, वो कैलकुलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस. ओके नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट टाउ एंड VSWR, ठीक है, स्टैंडिंग वेव रेशियो. ठीक है हम यहां पर स्टडी करेंगे बेसिकली कि कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, VSWR का कंसेप्ट क्या है, क्या शो करता है. बेसिकली जो VSWR है वो फॉरवर्ड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, के एनालिसिस पे बेस्ड है, मिसमैचिंग को शो करता है बेसिकली आपका. ठीक है तो ये टाउ VSWR इनका डिटेल थ्योरी स्टडी करने के बाद इनके ढेर सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है तो ये सारी चीजें बेसिकली हम यहां पर स्टडी करेंगे टाउ एंड VSWR. ओके नाउ उसके बाद जो हम स्टडी करेंगे यहां पर वो होगा आपके लिए स्मिथ चार्ट. ओके अगर मैं स्मिथ चार्ट की बात भी करूं, वैसे तो गेट और आईएएस दोनों के सिलेबस में है, लेकिन आईएएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा थ्योरिकल है और उसके बाद आपको थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करना होता है. तो गेट में तो आपको ग्राफ वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, लेकिन आईएएस में सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ग्राफ दिया जाता है,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा आईएस ओरिएंटेड है, लेकिन जैसा मैं आपको अपनी अदर वीडियोस में बता चुका हूं, जैसे कि जो मैंने सक्सेस मंत्रास वाली वीडियो बनाई है गेट के लिए, गेट 2019 के लिए, या सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई है गेट 2019 के लिए, उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि गेट में आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो भले ही ये आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आपको गेट की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको डिटेल में स्टडी करके जाना है। कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है, वी कैन नॉट मिस एनी टॉपिक इन एनी सब्जेक्ट एक्चुअली, ओके। तो स्मिथ चार्ट में बेसिकली आप लोग जो ग्राफ वगैरह है वो तो स्टडी करते ही हैं, जो मेन है जो स्टडी आप करते हैं वो करते हैं आप कांस्टेंट रेजिस्टेंस कर्व, ओके, एंड एक आप करते हैं कांस्टेंट रिएक्टेंस कर्व, ओके। तो ये दो कर्व आप स्टडी करते हैं इन केस ऑफ स्मिथ चार्ट, ओके, और रिलेटेड थ्योरी जो है वो सारी हम यहां पर स्टडी करेंगे साथ ही साथ में, ओके। नाउ जो लास्ट टॉपिक होता है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वो आपका होता है इंपेडेंस मैचिंग, ओके। तो इंपेडेंस मैचिंग जो है वो टॉपिक आपका क्या शो करता है बेसिकली, मींस इंपेडेंस मैचिंग होती क्या है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। तो इंपेडेंस मैचिंग बेसिकली होती क्या है मैं अगर आपको यहां पर ब्रीफ में बताऊं, फिर हम डिटेल में जब वीडियोस में पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से पढ़ लेंगे, बट अभी अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो इंपेडेंस मैचिंग मतलब क्या होता है कि जब कोई वेव आपकी प्रोपगेट होती है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी लोड उसको अब्सॉर्ब कर ले, ठीक है, कोई भी वेव का पोर्शन लोड से वापस रिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए किस तरह से हम लोग कंडीशंस बैठाएं या कि कौन सी कंडीशंस हम फॉलो करें, तो यही चीजें हम पढ़ेंगे इंपेडेंस मैचिंग में, ठीक है ना, कि लोड का इंपेडेंस कितना रखें हम लोग, लाइन के इंपेडेंस से कितना मैच हो, ठीक है, ये सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं कि कोई आपका रिफ्लेक्शन ना हो, बेसिकली यही हमारा एम होता है इस टॉपिक में। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स पढ़ते हैं, लाइक आप पढ़ते हैं स्टब मैचिंग, ओके, उसके अलावा आप पढ़ते हैं यहां पर लैम्डा बाय फो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर भी जिसको बोलते हैं हम लोग, ओके। तो ये सारी टेक्निक्स आप स्टडी करते हैं इन केस ऑफ इंपेडेंस मैचिंग टेक्निक्स, ओके। तो ये भी आपका वैसे देखे प्रैक्टिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर एग्जाम वाइज देखेंगे तो इसके एक से दो फॉर्मुलेस फिक्स्ड है, आपको स्टडी करने में इतना टाइम नहीं लगता ऐसे, ओके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसमिशन लाइन के बाद जो हमें स्टडी करना है वो करना है चैप्टर नंबर 7 वेव गाइड, ओके। तो ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड का जो रोल है वो काफी मिलता जुलता है, बट जो वेव गाइड है वो हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए ज्यादा यूजफुल है, यूज की जाती है। ट्रांसमिशन लाइन जो है मीडियम और लो फ्रिक्वेंसीज के लिए ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है ना। वेव गाइड की फ्रिक्वेंसी से कंपेयर कर रहा हूं मैं दोनों चीजों को, ध्यान रखिएगा, ओके। अब अगर मैं गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जैसा मैंने आपको ट्रांसमिशन लाइन में भी कहा था, वेव गाइड में भी कह सकता हूं कि 95-99% चांस है कि वन क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ओके। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो यहां पर वेव गाइड में आपको जो स्टार्ट करना है अपने टॉपिक का वो करना है आपको पैरेलल प्लेन, ओके, एंड रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ओके, पैरेलल प्लेन वेव गाइड एंड रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ओके। ये दोनों वेव गाइड आपको डिटेल में स्टडी करनी है। यहां पर आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूले, ओके, टिल्ट एंगल, ओके, इसके अलावा आपको निकालना है लैम्डा सी कट ऑफ वेव लेंथ, ओके, आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स की स्टडी करनी है, टीई मोड, टीएम मोड और टीईएम मोड, ठीक है। हम ये भी स्टडी करेंगे कि ये जो टीईएम मोड है वो पैरेलल प्लेन में एग्जिस्ट करेगा लेकिन रेक्टेंगुलर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली हम टीई मोड, टीएम मोड और टीईएम मोड में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। हम ये भी स्टडी करेंगे कि टीई मोड में कौन सा इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, सेम फॉर टीएम मोड एंड सेम फॉर टीईएम मोड। तो बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे हम मोड्स का। इसके अलावा मैं आपको जब मोड्स स्टडी करवाऊंगा तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इक्वेशन वाइज भी कराऊंगा और फिगर वाइज भी कराऊंगा। इक्वेशन वाइज तो आपको हर एक बुक में या हर एक नोट्स में मिल जाता है, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन फिगर वाइज भी कराऊंगा कि आप फिगर को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा मोड है। तो ये जो मोड वाले क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
अगर मैं वेव गाइड से कोई एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूं कि आना चाहिए एग्जाम में, तो वो मोड्स वाले क्वेश्चन होंगे. ओके, तो ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना है. थोड़ा टफ पड़ता है स्टडी करने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल मैनर में आपको कंप्लीट मोड की स्टडी करवाने में. ठीक है, नाउ लास्ट चैप्टर जो हमें स्टडी करना है इन केस ऑफ ईएमएफटी, इट इज एंटीना. ओके, तो एंटीना हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में भी स्टडी करते हैं, तो हम इस वर्ड से फैमिलियर जरूर हैं. रियल लाइफ में भी हम एंटीना देखते हैं, वर्ड को बार बार सुनते हैं. ठीक है, तो ये कोई नया वर्ड नहीं है हमारे लिए. ठीक है, बट एंटीना के केस में आपको जो कम्युनिकेशन में आप स्टडी करते हो, वो सिर्फ आप ये पढ़ते हो कि ट्रांसमीटर एंटीना ट्रांसमिट कर दिया आपके मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म को ईएम वेव में कन्वर्ट करके. ठीक है, या रिसीवर एंटीना रिसीव कर लिया और ईएम वेव को वापस से मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना ही स्टडी करते हो आप. लेकिन यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटीना स्टडी करने हैं, उनके इक्वेशंस देखने हैं, एंटीना की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है आपको. ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही यहां पर करेंगे बेसिक्स से. तो बेसिक्स में जो आपको स्टडी करना है यहां पर, वो आपको फर्स्ट स्टडी करना है आइसोट्रॉपिक एंटीना क्या होता है. ओके, तो आइसोट्रॉपिक एंटीना आपको समझने के बाद आपको स्टडी करना है रेडिएशन इंटेंसिटी. ओके, उसके अलावा आपको स्टडी करना है रेडिएशन डेंसिटी. ओके, ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटीना को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं यहां पर सबको मेंशन कर रहा हूं. ओके, तो ये जो बेसिक्स है ये आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, अदरवाइज आप एंटीना को नहीं समझ पाएंगे. पावर गेन, डायरेक्टिव गेन, एफिशिएंसी, एंटीना एफिशिएंसी, सारी चीजें पहले हमें सारे बेसिक्स क्लियर कर लेने हैं एंटीना के. ओके, एक बार जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हैं टाइप्स ऑफ एंटीना. ओके, टाइप्स ऑफ एंटीना में आपको बेसिकली यहां पर हर्ट्जियन डायपोल, ओके, हाफ वेव डायपोल, क्वार्टर वेव मोनोपोल, ये सारे तरह के एंटीना आपको स्टडी करने हैं. ओके, ठीक है, तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, हर्ट्जियन डायपोल, ओके, हाफ वेव डायपोल, ओके, उसके अलावा आपको स्टडी करना है क्वार्टर वेव मोनोपोल. ओके, उसके अलावा आपको स्टडी करना है यहां पर स्मॉल लूप एंटीना. ओके, तो ये सारे एंटीनाज आपको स्टडी करने हैं, डिटेल में स्टडी करने हैं. ओके, तो यहां पर जो है मैं सिर्फ ईएमएफटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, लेकिन होता क्या है बेसिकली कि गेट के एग्जाम में आप ईएमएफटी सिर्फ पढ़ते हो. ठीक है, आप माइक्रोवेव वगैरह स्टडी नहीं करते हो. वैसे तो आजकल ईएस से भी माइक्रोवेव का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका हटा दिया गया है. ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक रह गया है आपका, लेकिन फिर भी चूंकि ईएमएफटी का ही एक्सटेंशन आप आगे जाके माइक्रोवेव पढ़ते हो, और वहां पर आप यागी उड़ा एंटीना, ठीक है, और भी हॉर्ड एंटीना, कई तरह के एंटीना आप स्टडी करते हो. ओके, तो उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं. तो ये जो एडिशनल एंटीनाज हैं, उनकी भी बेसिक फॉर्मुलेज या बेसिक थ्योरीज हम स्टडी कर लेंगे. ओके, जैसे एंटीना से हर साल तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जब पूछा जाता है तो एक साथ दो दो क्वेश्चन पूछ देता है. जैसे 2016 में जो आईएससी बेंगलोर का पेपर था गेट का इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, एक सेट में आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ दिया था, और काफी टफ क्वेश्चंस थे वो. ठीक है, तो मींस आपको स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है. ठीक है, क्योंकि अगर आपके टाइम पे ही दो क्वेश्चन आ गए तो आप 4 मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते ना. ठीक है पॉइंट, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 4 एंटीनास को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशली ये 3 एंटीनास स्टार्ट के 3 जो एक्चुअल में सिलेबस में ऐसा लगता है कि मेंशन है. ठीक है ना, क्योंकि गेट में तो सिर्फ आपको बोलता है टाइप्स ऑफ एंटीना. हम तो सिलेबस में ये सोचते हैं कि जो लास्ट 10 to 15 ईयर से आ रहा है वही मेंशन होगा. ठीक है, पर ऐसा है नहीं, आपका टाइप्स ऑफ एंटीना मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए. तो हम कोशिश यही करेंगे कि ये स्टार्ट के 3 को बहुत डिटेल में पढ़ें, और जो बाकी के एंटीनाज हैं एटलीस्ट उनको ब्रीफ में तो स्टडी कर ही लें. ओके, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको बना पाए. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे रेडिएशन पैटर्न पे. ओके, और रेडिएशन पैटर्न को स्टडी कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद कि कैसे हम पैटर्न बनाते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं एंटीना अरे एंड अरे मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो
एंटीना अरे पूरा आपका फिगर वाइज होगा, सारी की सारी चीजें आपको यूनिट पैटर्न पढ़ना होगा, ग्रुप पैटर्न पढ़ना होगा, ये सारे टर्म्स से आप फैमिलियर होगे, ओके। फिर एंटीना अरेस समझने के बाद एंटीना अरे को आप अगर ड्रॉ कर पाते हो उनके पैटर्न्स, तो उसके बाद हम एरे मल्टीप्लिकेशन भी स्टडी करेंगे, ठीक है, कि हम एंटीना अरे को किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पैटर्न मल्टीप्लिकेशन हम डिटेल में स्टडी करेंगे उसके बाद, ओके। तो यहां तक आप लोगों का लगभग लगभग एंटीना का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा हम एक छोटा सा टॉपिक और स्टडी करेंगे, वो होगा आपका फ्रिस, ओके, फ्री स्पेस इक्वेशन, ओके। तो ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, फ्रिस फ्री स्पेस प्रोपगेशन इक्वेशन, ओके। यहां पर बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, स्टडी करेंगे, ओके। तो ये लगभग लगभग आपका ईएमएफटी का सारा सिलेबस जो है वो डिटेल्ड में कवर हो जाएगा, ओके। लास्ट में कुछ पॉइंट्स मैं आपको फिर से रखना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट तो इस लास्ट चैप्टर पे बेस है, वो ये है कि एंटीना में आपको स्टडी समझ भी नहीं आ पाती है कई बार कि आपको कितनी करनी है, क्योंकि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में देखेंगे तो एंटीना एक डिफरेंट सब्जेक्ट भी होता है कई बार, ओके, जिसको आप 40-50 आवर्स तक भी पढ़ते हो। और अगर आप गेट और आईएएस के सिलेबस पे देखोगे तो एंटीना सिर्फ एक टॉपिक है छोटा सा, ओके। तो उस टॉपिक को आपको किस लेवल तक स्टडी करना है ये समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें पढ़ना उतना ही चाहिए जितना हमें लगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, जब टॉपिक में ऐसा कंफ्यूजन हो। क्योंकि यहां पर होता क्या है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको 9 to 10 सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, बहुत डिटेल में स्टडी करने हैं। कई बार क्या होता है कि आप ओवर स्टडी कर जाते हो और लास्ट में आप रिविजन भी नहीं कर पाते हो। तो इन पॉइंट्स को भी कंसिडरेशन में रखना है, कोई टॉपिक हमें मिस नहीं करना है, लेकिन हमें जितना बहुत इंपॉर्टेंट है उतना कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और जहां हमें डाउटफुल हो कि ये टॉपिक है कि नहीं है सिलेबस में, उन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए, लेकिन बहुत ब्रीफ में पढ़ना चाहिए, ओके। तो ये आपका लास्ट चैप्टर से रिलेटेड था, जो कि आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। नाउ अगर ओवरऑल ईएमएफटी की बात करूं तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन हम लोग इसको सिंपल मैनर में स्टडी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक मैं यहां पर शुरू से ही आपको बोलूंगा कि ईएमएफटी में आप बिल्कुल भी डाउट्स अपने मन में मत रखिएगा, आप रोज के वीडियोस रोज सुनिएगा, ठीक है। जैसा वीडियो अपलोड हुआ उसे आप सुनिए, 2-3 घंटा बैठ के उसका अच्छे से एनालिसिस करिए, देखिए अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप उसे तुरंत ही कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, ताकि मैं उसी समय आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। क्योंकि ईएमएफटी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप पीछे के डाउट्स लेके आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो अगर हम ये अप्रोच रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ईएमएफटी को स्टडी करने में, ओके। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ईएमएफटी के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो पहले लेक्चर में मैं आपको वेक्टर का थोड़ा बहुत बेसिक्स बताऊंगा, ओके। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।